जो मेरा चैनल है डांस ट्यूटोरियल, जिसके जिधर मैं इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो कॉम्पिटिशन में डाल चुका हूँ। आज का जो वीडियो है, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो है वन वाट सब्स्टिट्यूट। वन वाट सब्स्टिट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज का जो वीडियो में जो वन वाट सब्स्टिट्यूट है, उसमें प्रीवियस ईयर का जो जो वन वाट सब्स्टिट्यूट आया था, उस तरह का क्वेश्चन में आज इधर डाल दिया है। तो उस तरह का जो बैंक पीओ में आया था, जो SSC CGL में आया था, जो आधा एग्जाम में भी आया था, और स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको लेकर उसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से लेकर और जो इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूट है उसमें मिलाकर मैं यह वीडियो आज बनाया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम में। मुझे लगता है अगर ये आप ठीक तरह से में देखेंगे तो ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का जो क्वेश्चन है करने में आपको हेल्प करेगा। ये बहुत कॉमन होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर सॉल्व किया है। तो अब देखिए, और अगर आप इसको राइट डाउन करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन यूट्यूब का जो वीडियो चल रहा है कुछ नहीं, उसके थोड़ा नीचे देखेंगे जैसे सी मोड करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। और डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छी तरह से उसका वर्ड सब्स्टिट्यूट लिख दिया है, जो भी वीडियो में वो मैंने लिख दिया है, उधर से आप कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और उधर और भी सारे लिंक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो जैसा लिंक है वेंटिलेशन का, रीजनिंग का, कॉम्पिटिशन का, कंप्यूटर का, और बहुत सारे लिंक है, उधर से आप भी यूट्यूब में और दूसरा जो वीडियो है मेरा वो भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पहले जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप देख सकते हैं कैसे कौन सा वीडियो मैंने डाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। लाइक कर सकते हैं, प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी एंड वॉच दिस वीडियो। ये आप मेरे लगता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्टे ट्यून। आज का जो क्लास है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SSC CGL बैंकिंग एग्जाम एंड एवरी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। पहले स्टार्ट होता है OAS से। देखिए, तो पहले है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक का मतलब है रिलेटेड टू साउंड, यानी कि जो चीज साउंड से जुड़ा हुआ है वो है एकॉस्टिक। एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का मतलब स्टेज ऑफ बॉयहुड बिटवीन टू टीनेजर, यानी कि कब ये स्टेज है बॉयहुड से लेकर टीनेजर तक का पीरियड का को हम एडोलेसेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एरियल, एरियल लिविंग इन एयर, जो बतास में जो लिविंग करते हैं उसे हम एरियल बोलते हैं। उसके बाद एकॉस्टिक, एकॉस्टिक यानी कि इसका मतलब है इसका मतलब है द साइंस फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स से जो जो एरोप्लेन्स फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स से जो साइंस है उसको हम एकॉस्टिक कहते हैं। उसके बाद है एथेस्ट। एथेस्ट का मतलब, ये जो एथेस्ट है इसका मतलब है ए लव ऑफ ब्यूटी, यानी कि जो ब्यूटी का, जो सुंदरता का पुजारी है उसे हम एथेस्ट कहते हैं। एविडेविट, एविडेविट का मतलब है स्टेटमेंट दैट रिटन बाय ए डॉक्यूमेंट एंड इट इज ओथ, यानी कि इसका प्रमाण स्वरूप है, इसके हम एविडेविट कहते हैं। जो जो होते हैं कोर्ट कचहरी में या ऑफिस में। ठीक है, एथेस्ट। एलिमोनी, एलिमोनी मनी गिविंग बाई ए वुमेन हू डिवोर्स टू हर हस्बैंड, यानी कि आप ये स्त्री लोग को मिलता है ये मनी जब वो डिवोर्स देता है उसके हस्बैंड को, हस्बैंड से मिलता है ये स्त्री लोग को डिवोर्स पर्पस, एलिमोनी इसको ये रकम कहते हैं। तो एलुवियल, एलुवियल का मतलब द सैंड ऑयल डिपोजिट बाय द रनिंग वाटर, सैंड ऑयल जो डिपोजिट बाय रनिंग वाटर में मिलता है इसको हम एलुवियल कहते हैं। एल्टीमीटर, एल्टीमीटर का मतलब क्या है? एल्टीमीटर का मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड जो एल्टीट्यूड जिससे मेजर करते हैं इसे हम एल्टीमीटर कहते हैं। इसमें एमीटर, एमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज मेजर द इलेक्ट्रिक करेंट इन एम्पियर। एम्पियर से जो इलेक्ट्रिक करेंट होता है, जो जो यूनिट जिससे मेजरमेंट करता है तो उसे हम एमीटर कहते हैं। एमोनियम, एमोनियम द स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ओमैन को हम लोग कहते हैं एमोनियम। एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब जो लिविंग लिविंग लैंड एंड वाटर, जो प्राणी लैंड में भी लिविंग करता है और वाटर में भी, यानी कि जिसे हम फॉग जैसे जैसे स्नेक वो
जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, ठीक है। उसके बाद एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म द कंपैरिजन द मॉडर्न पर्सन विद एंशिएंट पर्सन, यानी कि आप मॉडर्न पर्सन से को अगर भूतपूर्व बहुत पिछले मतलब एंशिएंट टाइम का कुछ पर्सन से कंपेयर करते हैं, इसे हम एनाक्रोनिज्म कहते हैं। उसके बाद इसके बाद है एनास्थेटिस। एनास्थेटिस का मतलब है, एनास्थेटिस का मतलब है हु गिव द क्लोरोफॉर्म टू द पेशेंट। आप कोई भी ऑपरेशन करने पहले पेशेंट को हम सेंसलेस करते हैं, इसलिए एनास्थीसिया करना पड़ता है। एनास्थीसिया करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म देते हैं, तो जो क्लोरोफॉर्म देते हैं जो डॉक्टर साहब, उसको हम कहते हैं एनास्थेटिस। उसके बाद एनाटॉमिस्ट, एनाटॉमिस्ट का मतलब हु वन हु डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये एक टाइप का डॉक्टर लोग है जो लोग जो ह्यूमन पार्ट, ह्यूमन बॉडी का सेपरेट जो पार्ट है उसको जो करके देते हैं, जिसका वो विद्या जो सिखाते हैं उसको हम एनाटॉमिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज अ स्टडी, एक टाइप का शिक्षा है जिसमें आप ह्यूमन बॉडी के पार्ट के बारे में सीखते हैं, इसे हम कहते हैं एनाटॉमी। जो है स्टडी ऑफ साइंस रिलेटिंग टू द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन। एनएल, एनएल का मतलब है वीक ओल्ड मैन। जैसे जो एजेड ओल्ड मैन होते हैं वुमेन, इसे हम एनएल कहते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का मतलब है इंस्ट्रूमेंट दैट यूज द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड्स, यानी कि आप विंड का फोर्स और वेलोसिटी जिससे मापते हैं, इसे हम कहते हैं एनीमोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब हु स्टडी द हिस्ट्री रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम प्रिमिटिव एज, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग बहुत पीछे के साल से बहुत आगे साल से मान इंसान का जो स्वभाव है उसका जा उसका प्रसार, उसका खाने पीने का सबका जो प्रिपरेशन है, उसका जो शिक्षा लेते हैं, उसको हम कहते हैं एनाथोलॉजिस्ट। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब ड्रग्स व्हिच कंप्लीटली डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स इस टाइप का मेडिसिन है जिससे आपका बैक्टीरिया अंदर देह का अंदर जो भी बैक्टीरिया उसको खत्म करते हैं, इसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एपोलॉजिस्ट, एपोलॉजिस्ट हो जो आपसे सॉरी मांगता है उसके मिस्टेक के लिए, उसको हम कहते हैं एपोलॉजिस्ट। उसके बाद है एक्वांटिक। एक्वांटिक रिलेटिंग टू द वाटर, जो जल से संबंधित है, जो रिलेशन उसका जल से है, उसका एक्वेरियम। एक्वेरियम हम सभी के घर में है, एक ग्लास कंटेनर जिसमें हम मछली रखते फिश रखते हैं, उसको हम कहते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक लिविंग इन वाटर, जो लोग जो प्राणी जल के अंदर रहते हैं उसको हम एक्वाटिक कहते हैं। उसके बाद है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ ट्री एंड वेजिटेबल, जहां कल्टिवेशन होता है, जहां चाष होता है ट्री और वेजिटेबल का, उसको हम कहते हैं आर्बोरिकल्चर। उसके बाद है आर्कोनोलॉजिस्ट, वन हु स्टडी द ह्यूमन एंटीक्विटीज, उसे हम कहते हैं आर्कोनोलॉजिस्ट। आर्कारिज्म यूज द एंशिएंट लैंग्वेज, जो आर्कारिज्म आर्कारिज्म को हम कहते हैं जो बहुत पहले का जो लैंग्वेज लेकर जो स्टडी करते हैं, उसे हम ये कहते हैं। आर्सेनल, ए प्लेस, ये आर्सेनल इज ए प्लेस वेयर वेपन एंड मैन्युफैक्चरर आर स्टोर, यानी कि आर्सेनल वो जो जगह है उसमें जिधर अस्त्र शस्त्र तैयार होते हैं एवं रखते भी है। उसके बाद है ऑडियोबल। ऑडियोबल का मतलब है विच कैन बी हर्ड, जिसे हम सुना जो सुनाई देते हैं उसका हम ऑडियोबल कहते हैं। ऑडियोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो ये यंत्र है जिससे हम साउंड का इंटेंसिटी मापते हैं, इसे कहते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोफोन, ऑडियोफोन इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू इम्प्रूविंग द इम्परफेक्ट साउंड ऑफ हियरिंग, जिससे हमको सुनाई जरा अच्छे तरह से देते हैं, इसे हम कहते हैं ऑडियोफोन। उसके बाद ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एब्सोल्यूट रूल बाय वन पर्सन, जो देश बा स्टेट बा जो प्लेस
वन आर्मी से आज रेगुलाइज्ड होते हैं, रूल्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद है एवरी, एवरी इज अ बिल्डिंग ऑफ केप्ट रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड, या ये है बर्ड का रहने वाला, पंछियों का रहने वाला जगह और जिसमें इसका ब्रीडिंग भी होता है, इसे हम कहते हैं एवरी। ये हो गया ए खत्म, उसके बाद आएगा बी। बी बैलास्टिक, बैलास्टिक का मतलब इज अच्छा, बैलास्टिक का मतलब है एज ए साइंस डीलिंग विद द मोशन ऑफ द प्रोजेक्ट लाइक लाइक द रॉकेट एंड बोम सेल्स। ये बैलास्टिक ये एक टाइप का साइंस है जिसमें हम डील करते हैं मोशन, यानी कि गति, आपका रॉकेट का कितना गति है, कितने स्पीड से वो भाग रहा है, या बोम या सेल जो भी है। उसके बाद है बैरोमीटर, बैरोमीटर हम सभी को पता है ये MHR यूज टू द मेजर द एटमोस्फियर प्रेशर, यानी एटमोस्फियर का जो प्रेशर है उसको मापने के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं। उसके बाद है बेलोकोसी, रेडी टू फ्लाइट, ये फ्लाइट के लिए फाइट, जो रेडी है फाइट करने के लिए। उसके बाद है बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर इज अ काइंड हेल्पर, जो आदमी सभी को हेल्प करते उसे हम कहते हैं बेनिफैक्टर। बेवी, बेवी का ग्रुप ऑफ का मतलब है ग्रुप ऑफ गर्ल और वोमेन लडली, जो गर्ल लोग या वोमेन लोग नौटंकी करते, यानी कि खट्टी मीठी बात करते हैं, उसे हम कहते हैं बेवी। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी हमको सबको पता है, वन हू राइट द बिग बुक्स, उसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी ए लिस्ट ऑफ बुक व्हिच डील विद द ऑथरशिप एडिशंस एंड सब्जेक्ट एक्सेट्रा, ये हो गया बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोफिल ए लवर बुक, ए लवर बुक जो बोई अच्छा जो जो आदमी बुक को लव करते हैं उसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बिगामी, बिगामी का मतलब क्या है, ए क्राइम हैविंग टू लाइफ पार्टनर एट ए टाइम, यानी कि जो जो टू लाइफ पार्टनर जब एक साथ क्राइम करते हैं उसे हम कहते हैं ये बिगामी। बिगामी कहते हैं क्वीन, बेली क्वीन, स्पोकन एंड रिटन इन द टू लैंग्वेज। बेनिगुअल का मतलब है स्पोकन एंड रिटन इन टू डिफरेंट लैंग्वेज। बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब लाइफ ऑफ पर्सन रिटन बाय समबॉडी, यानी कि ये है आज किसी के बारे में आज उसका जीवन कहानी लिखने, और दूसरे जब दूसरे आदमी लिखता है उसे कहते हैं हम बायोग्राफी, यानी कि एक एक आदमी का जो जो राइटर हो, पोएट हो, प्लेयर हो, फिल्म आर्टिस्ट हो, जिसका बायोग्राफी और दूसरा कोई लिख रहा है उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट का मतलब वन हू स्टडी द साइंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ये साइंस है आज साइंस का एक सब्जेक्ट है जो स्टडी करते हैं जो एनिमल और प्लांट के बारे में, जो जिस स्टूडेंट लोग आज स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं, और जो करते हैं उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। बॉटनिस्ट, वन हू स्टडी साइंस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। अभी बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं हमने बोला, जो स्टडी प्लांट एंड एनिमल्स के लिए, सिर्फ प्लांट्स के लिए जो स्टडी है उसे हम कहते हैं बॉटनिस्ट, ठीक है। और इसी बारे में एक बात बोल रहे हो, जो प्राणी जो साइंस प्राणी के लिए स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं जूलॉजिस्ट, जो इधर नहीं है तो ये बोल दिया मैंने। बॉयकॉट, बॉयकॉट का मीनिंग है ए ऑब्स्टेन फ्रॉम बाइंग और यूजिंग, जिसे हम ऑब्स्टेन कहते हैं, जो नहीं करेंगे उसे को यूज हो, बाइंग हो, सेलिंग हो, जो भी हो। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब ए पावर ऑफ ऑफिशियल। उसके बाद बुचर, वन हूज बिजनेस एंड स्लैगेड कैटल ऑफ फूड, उसे हम बुचर कहते हैं। बिजमिस्ट, वन हू हैव टू व्यूज, यानी कि जिसका दो बीवी है उसे हम कहते हैं बायोजिमिस्ट। इसके बाद आता है सी, हाँ नेक्स्ट होच्छे कैकोफोनस, कैकोफोनस हैज टू डिस्काउंट ऑफ साउंड, ये साउंड रिलेटेड है। उसके बाद है कैडाभर, कैडाभर डेड बॉडी, ठीक है। उसके बाद है कैडूसियस, कैडूसियस एम्ब्लेम ऑफ मेडिकल प्रोफेशन एंड यूएस आर्मी मेडिकल क्रॉप्स, ये सिर्फ यूएस आर्मी क्रॉप्स और मेडिकल प्रोफेशन के लिए कहते हैं। उसके बाद है सेलिवर, सेलिवर डिग्री ऑफ
सिलेबस और कैलिबर, कैलिबर डिग्री ऑफ मेरिट या जिसके मेरिट बहुत ज्यादा है इसे हम कहते हैं कैलिबर। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब जो है कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जिसे हम कहते हैं कैलीग्राफी। उसके बाद है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का मतलब है कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ हर्ट्स। ठीक है, कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ हीट, क्वांटिटीज ऑफ हीट उसे हम कहते हैं कैलोरीमीटर जिससे हम हीट का क्वांटिटी मापते हैं। उसके बाद है कैनॉन, कैनॉन इज अ चार्ज लॉ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। ये हो गया ये। उसके बाद है कार्डियक, कार्डियक पेडेंटिक टू द हार्ट, ये हार्ट रिलेटेड है। कार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी का ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दैट ट्रैकिंग द हार्ट मूवमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट, ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं हार्ट बीट मापते हैं, उसे हार्ट का मूवमेंट वो मापते हैं, इसे हम कहते हैं कार्डियोग्राफी। उसके बाद है कैरीज, कैरीज डेंटल डिके, जब आपका दांत का डिस्ट्रॉय होता है, खो जाता है, उसे हम कहते हैं डिके। उसके बाद है कार्नोलॉजी, कार्नोलॉजी का मतलब क्या, कार्नोलॉजी डिस्क्राइब द हैबिट मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मैन बाय सीइंग हिज साल्क कार्नोलॉजिस्ट, ये हो गया। उसके बाद कार्निवोरस, कार्निवोरस एनिमल दैट ईट ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, ठीक है, कार्निवोर ए एनिमल दैट ईट ह्यूमन फ्लैश, जो एनिमल ह्यूमन मांस खाते हैं उसे हम कहते हैं कार्निवोरस। सेलिब्रेट वन हु रिसोल्व नॉट टू मैरी, अविवाही जो मैरी नहीं करते, जो विवाहित नहीं होते उसे हम कहते हैं सेलिब्रेट। उसके बाद है कैरोकेसी, कैरोकेसी डिस्ट्रीब्यूटिंग द लाइट ऑफ शेड टू द पिक्चर, ठीक है। उसके बाद है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी इज ए अरेंजमेंट ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू द डेट एंड टाइम इन ऑफ ओकेशन, ओकेशन का टाइम और डेट को मेंशन करके जो इवेंट ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट करते उसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। क्रोनोलॉजर जो ये काम करते हैं उसे हम क्रोनोलॉजर कहते हैं। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का मतलब है इंस्ट्रूमेंट कीप टू द बॉर्डर और बॉर्डशी और मेजरिंग द एकोटिक टाइम, इसे हम कहते हैं क्रोनोमीटर। तब उसके बाद है सिनेमेटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर का मतलब इट कॉन्टेन द सीरीज ऑफ लेसन्स अरेंज टू द थ्रो द सीन्स एंड एनलार्ज इमेज ऑफ फोटोग्राफी। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई का मतलब है मेक क्लियर, उसके बाद है कॉग्नोमेन, सरनेम और निकनेम जो हम लोगों का पेट नेम कहते हैं, जो घर में माँ बाप बा फैमिली लोग बुलाते हैं उसे हम सरनेम और निकनेम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉग्नोमेन। कॉलिग्स, कॉलिग्स का मतलब है दोस्त हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, ये आपके कर्मस्थल में जो लोग आपके साथ ही काम करते हैं उसे हम कॉलिग कहते हैं और स्टाफ भी कहते हैं उसे। कम्यूटेटर ए डिवाइस टू रिजर्व डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। कॉम्पेंसेशन, उसका मतलब है मनी गिविंग टू रिक्विजिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जो मनी मिलते हैं रिक्विजिशन में उसे हम कहते हैं उसके बाद है कॉन्टिजियस डिजीज, कॉन्टिजियस डिजीज का मतलब है ए डिजीज व्हिच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, यह जो किसी के पास आने से फैलते हैं, जो बाय कॉन्टैक्ट फैलते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्टिजियस डिजीज। उसके बाद है कॉन्टेम्पोरारी ए मैन लिविंग इन द सेम एज टू अनदर, यानी कॉन्टेम्पोरारी जो लोग सेम एज सेम टाइम में रहते हैं बा लीव करते हैं जीवन अतिवाहित कहते हैं उसे हम कॉन्टेम्पोरारी कहते हैं। उसके बाद है कॉन्वेलेंस, कॉन्वेलेंस ए ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी आप
अस्वस्थ हुए थे उससे आप धीरे धीरे आज सुस्थ हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्वलेसेंस। उसके बाद सी हो गया खत्म, उसके बाद है डी। डी में है डेबिसेल, सडन कोलैप्स, जनरल ब्रेकअप और वायलेंट रश, जो हर जो सडनली ब्रोकन अप हो गए उसे हम कहते हैं डिबेटर। डिबेटर वन हु ओज मनी टू अनदर, जो ऑन दूसरे को मनी लेन में देते हैं उसे हम कहते हैं डिबेटर। उसके बाद है डेलीगोर, उसके 10 कमेंडेटर्स, उसका डेलीसिलेट, डेलीसिलेट का मतलब है स्लो डाउन। उसके बाद है डिफेंडेंट, डिफेंडेंट वन हु इज स्वीट विद द पेन टिप, डिमिनिश, डिमिनिश इसका मतलब है गॉड बर्थ एंड फ्लो प्रिंसिपल पर्टिकुलर कास्ट बट टेली ही इज नॉट गुड, इसे हम कहते डिमिनिश। डीस्ट वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टिंग टू द गॉड, जो गॉड में गॉड है ये बिलीव करता है उसे हम डीस्ट कहते हैं। उसके बाद आज डेमो ये होगा डेलीक्विस्ट, डेलीक्विस्ट के बाद डिलेक्ट, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑफ गॉड फॉर्म बाय द पीपल, जो फॉर्म बाय पीपल्स है, जो देश गणतांत्रिक है उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोग्राफी, अच्छा डेमोग्राफी का मतलब है इट्स द साइंस और वर्चुअल सोशल स्टैटिस्टिक्स, उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। उसके बाद डेमोनोलॉजी, डेमोनोलॉजी रिलेटेड टू द डेविल्स, घोस्ट एंड अदर टेररी थिंग्स, जो भूत में विश्वास करते हैं, जब भूत रिलेटिंग टू डेविल या घोस्ट आज उस तरह का है उसे हम कहते हैं डेमोनोलॉजी। उसके बाद है डेमोस डेस्पोटेंट हाई स्पिरिट ओवर फ्लो एथिक्स उसे कहते हैं। उसके बाद है डेनिक्वी वन हु डिटेन टू द कस्टडी। डायलोसिस द प्रोसेस ऑफ द फूड फ्लोट प्यूरिफाइंग वेन द किडनी मैलफंक्शन उसे हम डायलोसिस कहते हैं, किडनी के मैलफंक्शन से होते हैं इसे हम कहते हैं। उसके बाद है डेलिमा ए स्टेज ऑफ पर्सन हु आस्क्स टू चूज वन और टू एज ए इन्फ्लुएंस ऑन थिंग्स डिमिनिश मेक बिकेम सिमिलर, जो आज डिफरेंट है उसमें हम सिमिलर जब करते हैं उसे हम कहते हैं डिमिनिश। उसके बाद है डेनी मेडियन ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ फोर्स। इसके बाद आज एल्कोहलिक ड्रिंक उसे हम कहते हैं जो आज इरिस्टिपिक्स एवं कैलबोलिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स उसे हम कहते हैं डिस्पोमेनिया, डिस्पोमेनिया। उसके बाद है ई है जो अर्थ एटमोसफियर फर्स्ट उसे कवरिंग द एयर विच सराउंडिंग टू द अर्थ, जो अर्थ को सराउंड करते हैं उसे हम कहते हैं अर्थ एटमोसफियर। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पर्सन हु यूजुअली और यूज अनयूजुअल और ऑड पर्सनैलिटी, जो अर्थ जो कॉमन नहीं है, जो और दूसरे के लोग से लोग का टाइप नहीं है, जो डिफरेंट है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो। उसके 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 बाद है इकोलॉजी, इकोलॉजी स्टडी द प्लांट और एनिमल पीपल हु इंस्टीट्यूट ऑफ रिलेटिंग टू द एनवायरनमेंट, ये एक स्टडी है जो एनवायरनमेंट का रिलेशन प्लांट के साथ क्या है और एनिमल के साथ क्या है इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। उसके बाद है इडेबल दैट विच कैन बी फिट टू बी ईटन, जो खा सकते हैं इसे कहते हैं इडेबल। उसके बाद है इफिमिनेट वन पर्सन हु इज ओमैनशिप इन हैबिट, यानी कि इफिमिनेट का मतलब है एक मर्द लोग जो बिहेव करते हैं लड़की लोगों की तरह ओमैन के तरह उसे हम कहते हैं ये। उसके बाद है इगोनिज्म स्पीक टू मच और ऑफ ओन सेल्फ इसे हम कहते हैं इगोनिज्म। उसके बाद है इगोटिस्ट वन हु स्पीक यूजिंग एंड आई एम ऑलवेज, ये जो जिसमें अहंकार है उसे हम इगोटिस्ट कहते हैं। उसके बाद है इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या है वन हु इज द रिज्यूम एंड नॉर्मल स्पेस एंड साइज बट इज व्हेन इज आफ्टर स्ट्रेस व्हेन इज बी मेक रिसाइज एंड मेक इट्स लार्ज इसे हम कहते हैं आज इलास्टिक। उसके बाद है इलेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इन द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम आज इलेक्ट्रिसिटी मापते हैं उसे हम इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। उसके बाद है इलिजिजेक एक्सप्रेस द सॉरो ऑफ लेमिनेशन, लेमिनेशन इसे हम ये कहते हैं।
फिलेक्सोरी नो क्लैरिकल जो क्लैरिकल नहीं है, उसके बाद है इलोमोलॉजी। इलोमोलॉजी का मतलब इलोमोलॉजी साइंस रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन एंड डेवलपिंग द वर्ड्स, ये साइंस से रिलेटेड किससे जो वर्ड फॉर्मेशन करते हैं और उसको डेवलपिंग करते हैं। उसके बाद है इमीटेरिटस ऑनरी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। उसके बाद इमेटी आज इंक्लूडिंग वोमिटिंग, वोमिटिंग रिलेटेड जो है उसे हम कहते हैं। उसके बाद इम्प्रिसिज्म, इम्प्रिसिज्म बिलीफ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, उसे हम कहते हैं। इनकरेज मेक इरोडेट टू अदर प्रॉपर्टी। एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब ए डिजीज व्हिच बिकेम प्रीवेलेंट और पर्टिकुलर एरिया ऑन अकाउंट ऑफ द सराउंडिंग कंडीशन, जो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है सडन कंडीशन के मुताबिक एक पर्टिकुलर जगह में होते जो जैसे कि फीवर, वोमिटिंग, लूज मोशन एक्सेट्रा। इंड्यूरिंग लॉन्ग लास्टिंग, इंजॉइंग डायरेक्ट टू ऑर्डर सम टू समथिंग। एंथोलॉजिस्ट वन हु स्टडी द साइंस टू वैल्यू ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन रेस के लिए आज डिफरेंट ह्यूमन रेस के ऊपर स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं एथोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स यानी कि पतंग कीड़े मकोड़े के ऊपर जो स्टडी होते हैं इसे हम कहते हैं आज एंटोमोलॉजिस्ट। इसका एम्फीमेरियल आज शॉर्ट लीव एंड आज लास्टिंग ए वेरी शॉर्ट टाइम उसे हम कहते हैं। उसके बाद है एक्सनोरेट, एक्सनोरेट का मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम यानी कि वो दोषी नहीं है। सो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब फुल्ली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड उसे हम कहते हैं एक्सप्लिट। उसके बाद एक्सटेम्पोरर, एक्सटेम्पोरर स्पीच इज डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन यानी में आप स्पीच दे रहे हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन, आपको पहले से तैयार नहीं है उसे हम कहते हैं। उसके बाद है एक्समोलॉजिस्ट, इमोलॉजिस्ट वन हु स्टडी द साइंस ऑफ एंड ऑरिजिन ऑफ वर्ड यानी के वर्ड के जो स्टडी है साइंस ऑफ वर्ड ऑफ ऑरिजिन का। उसके बाद ये है एफ फैनाटिक, फैनाटिक का मतलब वन हु प्रेस इंटरेस्ट इन रिलीजियन, रिलीजियन में जो आज इंटरेस्ट है उसे हम फैनाटिक कहते हैं, जो विश्वास करते हैं धर्म में उसे हम फैनाटिक कहते हैं। Fatalism is a religion which believe that God is everything. Fatalism is a religion जिसमें हम मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ है उसे हम fatalism कहते हैं। उसके बाद है father fathometer, instrument that used to measure the depth of ocean, fathometer जिससे हम instrument है एक यंत्र है जिससे हम आज sea deep कितना है उसको measure करते हैं। उसके बाद है fauna, fauna animal giving in the region of period और पीरियड आज एनिमल ऑफ गिवन ऑफ रीजन उसका हम फोना कहते हैं। फुली ए यंग फीमेल हॉर्स उसे हम कहते हैं कि फुली। फ्लॉक एनिमल सच एज द बर्ड आज फ्लॉक क्या है, फ्लॉक का मतलब है एनिमल सच एज द बर्ड शीप एंड गोट कीप टुगेदर इन द लार्ज नंबर ऑफ एरिया उसे हम कहते हैं फ्लॉक। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट है ये पहले भी आ चुका है और उससे साथ और एक है फ्लोरा, फ्लोरा प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन ऑफ पीरियड यानी कि एक रीजन जिसमें जो प्लांट रहता है प्लांट का उसके साथ इकोसिस्टम का जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं फ्लोरा और उसमें जब एनिमल रहता है उसे हम कहते हैं फ्लोरा। फल्टोजोम द थिंग विच कम आउट ऑफ द सी यानी कि सी में नहीं रह सकते उसे हम कहते हैं फल्टोजोम। उसके बाद है फोर्टिजियम, फोर्टिजियम इज अ वेरी लाउड जो बहुत लाउड है उसे हम फोर्टिजियम कहते हैं। फजिला, फजिला का मतलब दैट व्हिच कैन बी इजीली ब्रोकन जो बहुत इजी ब्रोकन आज टूट जाता है उसे हम कहते हैं फजिला। उसके बाद आज फनबेली बुलिस्ट उसके कहते हैं आज रॉक डांसर व्हिच वॉक ऑन थिएटर जो उसे हम कहते हैं। फंगी ए क्लास ऑफ प्लांट व्हिच हैव नो क्लोरोफिल जो फंगी एक टाइप का उद्भिद है जिसमें क्लोरोफॉर्म क्लोरोफिल नहीं रहता है इसका कलर ग्रीन नहीं होता उसका कलर और दूसरा होता है। उसके बाद है जी, जी से जो स्टार्ट होता है ये गैल्विलाइजिंग तो कोटिन ऑफ जीन ये हम केमिस्ट्री में पढ़ा है हम लोग सभी पढ़े हैं इसको गैल्वानाइज विच कोटिंग ऑफ जीन
किसी के मेटल के ऊपर जब जिंक का कोटिंग होता है तो हम गैल्वनाइज कहते हैं। उसके बाद आज गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर का मतलब है ए ग्लास ऑफ ट्यूब, ए ग्लास ट्यूब व्हिच मेजर द वॉल्यूम चेंज इन केमिकल रिएक्शन बिटवीन द ग्लासेस। उसके बाद गैस्ट्रोनॉमी रिलेटिंग टू द टेस्ट, द फूड रिलेटेड है। जेंडर मेल गोस उसे हम जेंडर कहते हैं। जेनियालॉजी वन हु ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द डिसेंट ऑफ फैमिली, फैमिली का जो डिसेंट हिस्ट्री है जो जो ये करते हैं उसे हम कहते हैं जेनियोलॉजिस्ट। जेनियोलॉजी, जेनियोलॉजी का मतलब है हेरिडिटी और हेरिडिटरी। उसके बाद जेनुइन, जेनुइन ऑथेंटिक और फ्री फॉर जेनुइन जो आज ऑथेंटिकेट है उसे हम कहते हैं जेनुइन। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट वन हू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हम लोग का जो पृथ्वी है उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर के लेकर जो लोग आज पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं उसे हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट। उसके बाद है जार्मिसिडी आज मेडिसिन दैट किल द जार्म, जो जो मेडिसिन किल करते हैं जार्म को उसे हम कहते हैं जार्मिसिड। ग्लेशियर, ग्लेशियर का दे हाफ मास ऑफ स्नो मूविंग स्लो डाउन इन द वैली एंड ट्रोस्टॉप। ग्लेशियर एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा है जो आज सी में दिखा जाता है, जिससे हम लोग का टाइटेनिक भी डूब गया था हम लोग सभी जानते हैं। गायनोलॉजिस्ट उसका मतलब है आज वन हु ट्रीटमेंट द फीमेल डिजीज, गायनोलॉजिस्ट आज वो डॉक्टर है जो फीमेल आज लोगों के लिए फीमेल रिलेटेड आज डिजीज होता है और प्रॉब्लम होते हैं उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ये हो गया। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हेमरेज, हेमरेज एक कॉमन वर्ड है जो बहुत इसके बाद इसके पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। हेमरेज स्केप आज स्केप ऑफ ब्लड एंड रिचार्ज ऑफ ब्लड वेसल्स आज इनसाइड ऑफ द बॉडी बॉडी पार्ट, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जब आज वेसल्स पार्ट टूट जाता है छिप जाता है उसके बाद जो ब्लड आज ब्लड आज निर्गत होते हैं उसे हम कहते हैं हेमरेज। उसके बाद हर्बीवोरस आज जो एनिमल आज ईटिंग हर्ब्स उसके हम हर्बीवोरस कहते हैं, यानी कि जो मांस नहीं खाते हैं सिर्फ वेजिटेबल के हम हर्बीवोरस कहते हैं। हेडोनिस्ट वन हू डिवोट हिमसेल्फ फॉर प्लेजर, हेडोनिस्ट का मतलब जो खुद को आज भगवान के लिए दान कर चुका है, उसके संसार में उसका मन नहीं है, संसार नहीं करता है सिर्फ वो भगवान के लिए कहता है। नन और को कहते हैं नन टाइप का जो लोग होते हैं उसे हम कहते हैं हेडोनिस्ट। हाइब्रेशन, हाइब्रेशन ए कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ ईयर, यानी कि साल के ज्यादा टाइम जो सोते रहते हैं उसके हम कहते हैं हाइबरनेशन। हायरार्की ए सिस्टम दैट प्रेजेंट थ्रू द पास टू द अनदर, यानी हायरार्की जो आपके पिता उसके पिता ऐसे करके जो पिता आपके पिता के ऊपर के जो पिता वो जो जैसे आज एक जनरेशन आज को मेंटेन करता है उसका हम हायरार्की कहते हैं। हिस्टोनिक एक्टिंग द एक्टिंग और आर्टिफिशियल बिहेवियर यानी स्पीच ऑन इफेक्ट उसे हम कहते हैं। होलोग्राफ, होलोग्राफ इज अ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक द टू और थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफ यूज लेजर बीम, लेजर बीम से जब हम कोई पिक्चर टू डी और थ्री डी करते हैं उसे हम कहते हैं होलोग्राफ। होमोजेनियस, होमोजेनियस दैट थिंग व्हिच आर ऑफ सेम काइंड एंड द सेम डायमेंशन उसे हम कहते हैं होमोजेनियस। होमोलॉजियस आर कॉरस्पोंडिंग हैव सेम एंड सिमिलर रिलेशंस। उसके बाद आज की हॉर्टिकल्चर ए आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, गार्डन कल्टीवेशन का जो आर्ट है उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हाइब्रिड एनीथिंग डेरिव्ड फ्रॉम हेटेरोजीनियस सोर्स उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। उसके बाद है हाइड्रोक्यूलिस, हाइड्रोक्यूलिस स्टडी ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड इन मोशन, लिक्विड का जो मोशन है और वाटर का जो मोशन है हम हाइड्रोक्यूलिस बोलते हैं। उसके बाद है हाइड्रोग्राफर वन हू नो द पोजिशन ऑफ लैंड एंड ड्रॉ द मैप, आज हाइड्रोग्राफर किसे कहते हैं जो आज आज मैप ड्रॉ करते हैं जिसके जिसको लैंड का पता है वो जब ड्रॉ करते हैं मैप उसे हम कहते हैं हाइड्रोग्राफर। हाइड्रोग्राफी आज डिस्क्रिप्शन द ओशन एंड लैंड एंड द ओशन। हाइड्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, आज हाइड्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लिक्विड का ग्रेविटी का ग्रेविटी का मेजरमेंट करते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इज अ रैबिट डिजीज जो डॉग बाइट से होते हैं,
ये जो पेशेंट को पेशेंट जब पानी देखता है तो उसे बहुत डरता है, इसका ये सिम्टम है इस डिजीज का जो डॉग बाइट से होता है। हाइड्रोफोन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्डिंग साउंड अंडर द वाटर। हाइड्रोफोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत बार पहले भी आ चुका है ये वन वाट सब्स्टिट्यूट। ये क्या है, ये है एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं आज पानी के अंदर का साउंड मेजरमेंट करने के लिए। हाइड्रो स्टैटिस्टिक रिलेटिंग टू द वाटर। उसके बाद हाइड्रोट्रॉपिक टर्न टू वाटर अवे फ्रॉम मॉइस्चर, इसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक। उसके बाद हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। हाइग्रोमीटर ये कितना ह्यूमिडिटी है एयर में उसको मापते हैं। ये होगा एच का। उसके बाद आई, आई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई का, बहुत बार इसके पहले भी आई का ये जो दिखाएंगे वो वन आवर सब्जेक्ट आ चुका है। तो देखिए ये वन आवर सब्जेक्ट कैसे है, इथियोलॉजी, इथियोलॉजी स्टडी ऑफ द फिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पहले भी आ चुका है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी बहुत दे चुका हूँ आज, अगर आप आज लिखना चाहते तो राइट डाउन कर सकते हो उधर से। उसके बाद है इकोनोग्राफी टीजिंग द प्रेजर ऑफ मॉडल। इकोनोलॉजी वर्कशॉप ऑफ आइडियल इमेज, आइडियल फेवरेट एनी पर्सन हु डिवोट एक्सपेक्टिंग एंड एडमायर। Igloo, igloo is a house of Eskimo who made in North Pole, South Pole. ये igloo जो एक टाइप का आज बर्फ में बना गया है एक घर। Eligible, ये बहुत important है eligible, ये that is incapable being read, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके जो लिखा पढ़ नहीं पाते उसका ineligible कहते हैं, eligible। Initiable, as incapable of being minded, जो याद नहीं रहता है उसे हम इलिजिबल कहते हैं। Immutable, unchangeable, untreatable, unchangeless, जो चेंज नहीं करने पड़ते, जो परिवर्तन नहीं रहते, तो इम्यूटेबल कहते हैं। Imply, imply का मतलब है indicate without express of statement, indicate without express of statement इसे हम कहते हैं imply। Improbable, improbable का मतलब है that which not like to be happen। ये जो आई से जो आ जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मन करने में, ये कहता हूँ आप लोग प्लीज इसे राइट डाउन कीजिए। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, लिख लीजिए, और आप लिख सकते लिखना चाहते तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जो मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत सभी कुछ लिखा था, उधर से आप भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट मेड विदाउट एनी प्रीमिसेस आज प्रीवियस प्रिवेंशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसके बाद है इन आज इन अटेंडिव नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन, जब प्रॉपर अटेंशन नहीं देते उसे हम कहते इन आज इन अटेंटिव इन ऑडियोबल दैट कैन कुछ भी हेयर, जो सुनाई नहीं, जो चीज सुनाई नहीं दे रहा है उसे हम कहते इन ऑडियोबल। Incognizant, incognizant का मतलब traveling under the name other than one's own, incognizant, incapacitated, impressionate to confirm, incompatible a person who cannot work or live together in harmony, जो ये कहते हैं, incomprehensible that which cannot be understood, जो समझ नहीं आता है उसे हम कहते हैं incomprehensible। Iconoclast, a destroyer of image, जो image का मतलब तस्वीर जो destroy करते हैं उसे हम कहते हैं। Incorrigible, incapable being correct, जो ठीक नहीं कर सकते हैं, जो correct नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं incapable, incorrect, उसे कहते हैं incorrigible। Incorruptible, very honest, incapable being corrupt, जो corrupt नहीं करते, corrupt आप उसे बना भी नहीं सकते उसे कहते हैं incorruptible, incredible that cannot be believed, जो विश्वास नहीं होता है उसे कहते हैं incredible। Incumbent, holding an office and obligatory। उसके बाद है indecipherable that which is impossible to describe audibly।
उसके बाद इन इन एक्सप्लोरेटरी दैट कैन बी एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन नहीं होता, इनफेवियबल, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जो इनफेनेट, इनफेनेस्ट इज वेल, मैटर ऑफ इनफेन, इनफेनाटिसिट का मतलब जो जो इनफेंट को कातिल करते हैं, जो किल करते हैं, उसे हम कहते हैं मर्डर ऑफ इन्फेंट, इसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल, दैट व्हिच कैन फायर इजीली, जो बहुत ज्यादा ही आज फायर आज मैंने उसे आज आग लगा सकते उसे कहते हैं। उसके बाद है इनटिमिलेबल, दैट व्हिच कैन नॉट डू, इनसॉल्युबल, दैट व्हिच कैन नॉट बी डिसॉल्व इन लिक्विड, जो आज डिसॉल्व नहीं होते लिक्विड में। उसके बाद इन सोमानिया, लूज ऑफ स्लीप, जब नींद नहीं आते उसे हम उसको हम कहते हैं इन सोमानिया। इन Interdiction, interdiction, prohibition, prevent from participation or certain scattered act, उसे हम कहते हैं। उसके बाद intractable, that which cannot be controlled easily, जो बहुत ज्यादा से control नहीं करते उसे कहते हैं intractable। उसके बाद invertible, without backbone which can be character, invisible, that which cannot be defective। उसके बाद इंटीनियर व्हिच कैन जर्नी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे हम कहते हैं इटिनरेंट, इटिनरेंट कहते हैं उसे, वन हु जर्नी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये हो गया, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, मैं डिस्क्रिप्शन दे दी चुका हूं मेरा वीडियो के, उधर से आप लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे ये वीडियो था, इसमें बहुत ज्यादा वन और सब्सिट्यूट दे दिया था, ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा। फर्स्ट पार्ट में आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, तो मैं उसका सॉल्व कर दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसे छोड़ के मैं सेकेंड पार्ट भी निकालूंगा, जो फाइनल पार्ट होगा वन और सब्सिट्यूट के, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट और भी वन और सब्सिट्यूट में डालूंगा। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आज का, कुछ भी कॉम्पिटिटिव से कुछ भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मेल कर सकते हैं, या वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स है उधर जाके आपका प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैं उसी टाइप का, आप जिस टाइप का प्रॉब्लम है उस टाइप का प्रॉब्लम में सब करके उस टाइप का वीडियो आपको डालूंगा यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल, अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, एंड होपफुली बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी व्यूअर्स फॉर मी। आप लोग जो बहुत जल्द से नौकरी मिल जाए आपको, आपका जीवन सुखी अच्छा है। तो बी पॉजिटिव एंड बेस्ट ऑफ लक।